अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश शुक्रम और अशाश बशाश होंगे। आज एक नए व्लॉग के अंदर हबीब खान हबीबी आपको हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम से खुश आमदीद कहता है। तो गाइस, आज वियतनाम में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और वियतनाम के मुसलमान आज ईद उल अज़हा मनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले जाकर नमाज़ अदा करते हैं ईद उल अज़हा की, जो कि डिस्ट्रिक्ट वन मस्जिद मुस्लिमीन के अंदर अदा की जाएगी, और फिर उसके बाद किस तरह से मुसलमान कम्युनिटी के अंदर ईद उल अज़हा की कुर्बानी का तमाम किया जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो उसके साथ साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं मस्जिद के अंदर, लेट्स गो मूव। अस्सलाम वालेकुम, आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कर ली गई है यहाँ पर वियतनाम के अंदर, और पाकिस्तान में कल ईद होगी। तो आज आप देख सकते हैं कि वियतनाम में किस तरह से लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले आमिर भाई ने मुझसे ईद मिली है भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नौजवान मुझे मिले ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे मस्जिद के अंदर, समझ में नहीं आएगा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, हमारे ये कराची के, और उनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं ईद उल अज़हा के अंदर, क्या माहौल है यहाँ पर शारिक भाई? ईद उल अज़हा का माहौल माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बस गोश्त की कमी है। गोश्त की कमी है, गोश्त इतना भरा हुआ पेट के अंदर, फिर भी गोश्त की कमी है, और ये जानवर की कमी है जो हम स्लॉटर होते हुए नहीं देख पा रहे। नहीं बस जा रहे हैं, इंशाल्लाह जा रहे हैं अभी ईद उल अज़हा की बात नमाज़ पढ़ने के बाद। डिस्ट्रिक्ट 6 के अंदर जो है ना कुर्बानी होती है, डिस्ट्रिक्ट 6 में जाकर देखते हैं किस तरह से कुर्बानी होती है। और हमारे कुछ और ये पाकिस्तानी बैठे हैं, इनकी बातें खत्म नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आप? पाकिस्तान कौन सी जगह है? पाकिस्तान बहुत बड़ा है, 64 सूबे। पंजाब कौन सी जगह से आप? पंजाब को लगाओ। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप कहाँ से? आप कहाँ से भाई? कराची से। बोला भाई, बाहर के ये मनाजिर हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, नमाज़ अदा करने के बाद लोग अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, शायद कुर्बानी करेंगे। लोग चाहिए अफ्रीकन लोगों से भी ईद मुबारक कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं कि किस तरह से कुर्बानी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेयर आर यू फ्रॉम? कैमरून। कैमरून? गिनी। I am from Pakistan. Okay. So these are people celebrated Eid al-Adha in Vietnam, so they are from Cameroon and Guinea. Cameroon, Pakistan.
कबीर उठ पाकिस्तान, इतने नया पाकिस्तान बना दिया कबीर उठ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर गाइस ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। अब यहाँ पर चलते हैं, जाके देखते हैं कि कुर्बानी का क्या सिस्टम है और किस तरह से कुर्बानी की जा रही है। तो लेट्स गो मूव।